दारुण चुप जी को जय श्री राम भारत माता की। अब मैं जी को जय श्री राम, सत्य जी को जय श्री राम, वहां पे टूरिज्म आया, करोड़ों की तादाद में सैलानी जो है वो कश्मीर और जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। जो ये कहते थे कि तिरंगा अगर हट गया 370 कोई झंडा उठाने वाला तिरंगा नहीं मिलेगा। आज देखिए ऊपर वाले की करनी, आज उस हर कश्मीर में उस लाल चौक और हर घर में तिरंगा झंडा है। ये नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी का कमाल है कि जिन्होंने अपना ये काम किया, इस 370 को हटाया और कश्मीर में एक पत्थर तक नहीं चल पाया। साथियों, कश्मीर के अंदर उत्साह का वातावरण, 370 और 35 के टूटने के बाद का उत्साह, जम्मू कश्मीर की जनता इस चुनाव को उत्सव की तरह दे रही है। जो लोग कल तक बायकॉट की पॉलिटिक्स से सत्ता में आते थे, आज उन लोगों के मन में घबराहट, हताशा कि जनता भारी पोलिंग के लिए निकली और ये पोलिंग मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी की पहली जीत है, क्योंकि उन्होंने कहा था विकास भी करूँगा और विश्वास भी। जनता का विश्वास उन्होंने जीता, जनता खुलकर वोट कर रही है, लेकिन घबराहट है अब्दुल्ला मुफ्ती रशीद और गांधी नेहरू परिवार, क्योंकि वो हमेशा ही बायकॉट की पॉलिटिक्स से सत्ता में आए। यहाँ जो गठबंधन बना है एनसी और कांग्रेस का, टोटल टाए फिस है, ये एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। जम्मू कश्मीर की जनता तीन बार पहले नकार रही और अब भी नकार रही है। ये मिस्टर कंफ्यूज्ड है, मिस्टर अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला मिस्टर कंफ्यूज्ड है और मिस्टर कंफ्यूज्ड कभी कहते हैं मैं गाड़ी नहीं कटाऊंगा, कभी कहते हैं मैं जेल से नहीं आऊंगा, कभी कहते हैं मैं लोकसभा नहीं लड़ूंगा, लोकसभा लड़ती हूँ, कभी कहते स्टेट में नहीं आएगा मैं विधानसभा नहीं लड़ूंगा, दो जगह से लड़ती हूँ, कभी फारूक साहब कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा। टोटल कंफ्यूज हैं और हार को देखते हुए कंफ्यूज हैं। जनता इन्हें करारी हार देने वाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता अब अलगाववाद की भाषा, अलगाववाद की सोच, देश को तोड़ने की सोच बर्दाश्त नहीं है। और ये बार बार कह रहे हैं, कभी ये विधानसभा में पहुंचकर ऑटोनॉमी का बिल लाने की बात कर, कभी स्वायत्तता की बात कर, कभी कांग्रेस कहती है आज़ादी से कुछ कम इनको दे दें, अरे ये किसी के बाप की डुबोती नहीं किसी को दे दें। जम्मू कश्मीर की धरती पग पग भूमि हमारी मातृभूमि है, हमारी कर्म भूमि है, हमारे पूर्वजों की भूमि है, इसके कण कण के लिए मर मिटने को हम तैयार हैं। एक इंच भूमि हम किसी को देने नहीं देंगे। ये सपना देखने वाले लोग ये सुन लें कि जम्मू कश्मीर का विलय पूर्ण विलय था और महाराजा हरि सिंह पर हमें मान है। जो लोग अपशब्द कहते हैं, ऐसी कांग्रेस और ऐसी एनसी जम्मू कश्मीर को मुबारक नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता ना अपनी धरती माँ का अपमान सहेगी, ना अपने महाराजा हरि सिंह का अपमान सहेगी, ना अपने वीरों का अपमान। अब तो क्लियर हो चुका है सामने देखो कि पाकिस्तान और नेशनल कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार की कांग्रेस, ये तीनों इकट्ठे मिलकर
जम्मू कश्मीर को दोबारा आग के शोलों पर फेंकने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तीनों एक ही पेज पर हैं, ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा कह रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब, घड़ियाली आंसू बंद करिए, आपका घिनौना असली चेहरा सामने आ चुका है। अब जम्मू कश्मीर की जनता पाकिस्तान के गाने पर, तराने पर डांस करने वाले अब्दुल्ला, मुफ्ती और कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं। सर कितनी सीट घृणा करने वाले नकार रहे।